हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये आलू है, मैंने ग्राइंड कर लिया इनको, यानी मैंने घिस लिया है, या आप इसको मैश भी कर सकते हैं। ये मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। ये हरा धनिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और ये हरी मिर्ची, इसको भी बारीक काट लिया है। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या मसाले चाहिए। फ्रेंड्स, उसके लिए मसाले चाहिए, ये देखिए, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये नमक है, ये गरम मसाला, ये चाट मसाला और अजवाइन चाहिए। आइए अब इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैंने आलू ले लिया है, और ये अब मैं प्याज डालूंगी, ये जो मैंने बारीक काटी थी। अगर आपको प्याज अच्छी नहीं लगती आलू के पराठे में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। उसके बाद ये मैं डालूंगी ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब उसके बाद मैं मसाले ऐड करूंगी। अब मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधी चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच चाट मसाला, और आधी चम्मच से कम यानी 1/4 कप चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ, और ये मैंने अजवाइन डाल दी है। अब इनको अच्छे से मैं मैश करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। आइए पराठे बनाते हैं इसके। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक आटे की बॉल ले ली है, मैंने इस हिसाब से इतनी मोटी ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पतली या जैसी आपको अच्छी लगे। अब मैं इसको बेलूंगी, ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको बेल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने बॉल को बेल लिया है, मैंने इस शेप में दे दिया, यानी थोड़ा सा बड़ा शेप बना दिया है इसका। अब मैं इसमें ये मसाला भरूंगी जो मैंने आलू को बना के तैयार करा था, ये मैंने इस तरीके से 2 चम्मच भर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से बंद करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया है, और थोड़ा सा हाथों से इसको गोल करूंगी, ये देखिए, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और वापस से इसको मैं बेलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूखा आटा लगा लिया है, अब मैं इसको बेल रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए, इस तरीके से हल्का हल्का उठा उठा के आप बेलिए, तो आपका पराठा बिल्कुल गोल बनेगा और ये कहीं से भी फटेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पराठा बन के तैयार है। इसी तरीके से अब मैं अपना दूसरा पराठा बना के तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने अपनी दूसरी बॉल ले ली है, अब मैं इसको इसी तरीके से बेलूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बॉल को बेल के मैंने इस तरीके का शेप दे दिया है, थोड़ा बड़ा रोटी का शेप दे दिया है। अब इसमें मैं इसी तरीके से आलू का ये मसाला भरूंगी। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच भर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इसको इसी तरीके से मैं बंद कर दूंगी जैसे मैंने पहला वाला बंद किया था अपना पराठा, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है, इसको मैं घुमा घुमा के बेल रही हूँ। ये देखिए आप, फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसको बेल लिया है, और ये पराठा बनके तैयार है, तो अब मैं इसको सेकूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक तवा ले लिया है और गैस ऑन कर दी है, अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर ये पराठा रख दूंगी और इसको थोड़ा सिकने दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इस तरीके से दबा दूंगी इसको और इस तरीके से इस पे पलट दूंगी। ये देखिए, हमारा पराठा नीचे से काफी अच्छा सिक चुका है। अब इसी तरीके से मैं नीचे सेकूंगी और इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। ये देखिए, ऑयल लगा के मैं इसको हल्का हल्का प्रेस कर दूंगी, और फिर वापस से इसी तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से पलट दूंगी। ये देखिए, और इसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से ऑयल लगा दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने पराठा पलट दिया है, और मैं इसको इससे हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, जिससे कि ये नीचे से काफी अच्छी तरीके से सिक जाए। ये देखिए, अब मैं वापस से इसको इस तरीके से पलट रही हूँ, आप देख सकते हैं ये पराठा सिक चुका है। इसी तरीके से अब मैं अपना दूसरा पराठा सेकूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपना दूसरा पराठा रख दिया है, अब इसको भी मैं इसी तरीके से सेकूंगी जैसे मैंने पहला सेका था। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं इसको इस तरीके से पलट रही हूँ, ये नीचे से सिक चुका है, अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। ये देखिए, मैं ऑयल लगा रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल लगा दिया, इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करूंगी और इसको इस तरीके से फिर से पलट दूंगी। ये देखिए नीचे भी सिक चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर भी ऑयल लगा दूंगी। ये देखिए मैंने ऑयल लगा दिया है और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करूंगी और वापस से इसको इस तरीके से पलट दूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पराठा सिखा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पराठा काफी अच्छी तरीके से सिक चुका है, इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कीजिए और वापस से इसको पलट दीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिक चुका है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पराठा दोनों तरफ से काफी अच्छा सिक चुका है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए और मैं अब गैस बंद कर रही हूँ और इसको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। देखिए फ्रेंड्स पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप दही के साथ या चाय के साथ जो भी आपका मन करे आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं और ये गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगते हैं और ठंड में तो आलू के पराठों का मजा ही कुछ अलग होता है। तो अगर आपको मेरे आलू के पराठों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।